Okay, gee, uh, जीरो, गुल गुलफशा जीरो फोर ने कहा कि एक्टर के अलावा आपका कौन सा फेवरेट काम है एक्टिंग के अलावा मेरा फेवरेट काम आर्किटेक्चर है गार्डनिंग है एंड uh, ट्रैवलिंग uh, है आई लव ट्रैवलिंग मैं चाहता है मेरी एक वो नहीं होती जो आपकी uh, uh, गाड़ी होती है इसके अंदर आपका घर पूरा बना हुआ होता है आपका किचन भी होता है और आपका सब कुछ होता है सामान रखा होता है बस में कह, कहता हूँ सारा अपना घर वर बेच बाज के गाड़ी खरीदूँ और बस निकल जाऊँ दुनिया के सफ़र पर और बस आपका कोई जिससे आप प्यार करते हो वो लोग उसके, उसके उस गाड़ी में बैठे हों बस आप उनको भी ख्वार करें अपने साथ और घूमते रहें अच्छा ये सवाल पूछा था जी गुलाफशाह जीरोस्कोर जीरो फाइव जीरो फोर ने सैम अंडर स्कोर फैरी अंडर स्कोर सेवेंटी टू ने पूछा किसी से भी इंतहा मोहब्बत किसी से बेनतहा मोहब्बत करो और वो आपको रिजेक्ट कर दे फिर जिंदगी के किसी मोड पर वो चाहत का ज़हार करे तो ना 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 भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में जब आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ नहीं था जब आप उसको चाहते थे तो वो आपको आगे भी कहीं छोड़ देगा और तकलीफ देगा तो एक दफ़ा ही तकलीफ़ से गुजरना अच्छा होता है बस गुजर जाए उसके बाद दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि आप लाइफ बहुत छोटी है और उसमें बार बार लोगों को मौके नहीं देने चाहिए कि वह आपको दोबारा आके तकलीफ़ दें और हट करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इज़्ज़त नफ्स होती है अगर कोई उसको मजरू करके कभी चला गया हो आप उसको दोबारा मौका ना दें मैं तो यही कहूंगा बाकी आपकी मर्ज़ी आप चाहते हैं तो अगर बहुत प्यार करते हैं और आप कहते हैं कि दोबारा से आपने चोट खानी है और फिर आपको उसमें मज़ा आ रहा है कई कीजिए जो करें सैम अंडर स्कोर फैरी अंडर स्कोर सेवेंटी टू ने मुझसे सवाल किया था अलीबा अंडरस्कोर ए वाई वाई ने कहा जी डू यू वॉन्ट टू बी समन एल्स लाइक सम अदर गाय अदर देन वॉट यू आर राइट नाउ नो वे नो वे अगर uh, मुझे दोबारा भी कभी आना हुआ इस दुनिया में तो मैं इमरान अब्बास बन के आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ब्लेसिंग मी मच विच आई ट्रूली डिन डिज़र्व और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मुझे अल्लाह ने सब कुछ वो दिया जिसके बारे में मैं सोच सकता था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था uh, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है और मैं दोबारा कुछ नहीं बनना चाहूँगा और अगर मुझे शॉर्ट बनने का मौका मिला तो कभी भी नहीं आई वुड लव टू बी इमरान अब्बास ओनली विल यू प्रपोज अदा खान आई वॉन्ट हर एज योर वाइफ शी अ वाइफी एंड प्योर हार्ट अदा माईर स्कोर सोल मिनट कौन है अदा खान मुझे नहीं मालूम जी बिल्कुल नहीं मालूम सॉरी अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई टिकटॉकर है या कुछ भी है तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ टिक टॉक पर नहीं हूँ मैं खैर है टिकटॉक पे होंगे इसलिए क्या टिकटॉक के बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं जिनका नॉर्मली क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया से इनका कोई ताल्लुक है बट आई सी नो मौत मून थॉट्स थॉट्स ने कहा चुम्मी दोगे क्या जवाब दूं मैं जी राहमीन जहरा ने कहा हाय विच थिंग ब्रिंग्स थिंग्स मच बिग चेंज क्या लिख रहे विच थिंग ब्रिंग्स दिस मच चेंज इन योर लाइफ यू यू जस्ट ऑलमोस्ट लेफ्ट द इंडस्ट्री आई हैवंट लेफ्ट द इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट बट आई जस्ट आई कैन नॉट डू जस्ट अनदर सीरियल एनी I don't want to be a part of any other serial just for the hack of doing it. I would rather sit um, idle, नथिंग uh, doing nothing, but I cannot do anything, anything which is not worthwhile. वर्थ um, मुझे अब अंदाजा हुआ है कि शुरू में तो हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं फिल्में भी कर रहे होते हैं ऐसी um, ड्रामे भी कर रहे होते हैं जब आपको आप कहते हैं यार ठीक है कैसा आ रहा है या मजे का कोई चीज़ एक्साइट कर रही है आपको या आपको रिकॉगनीशन की जरूरत होती है लेकिन एक पॉइंट पे आके फिर आप थक जाते हैं अभी भी अगर मेरे आ, किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो इंसेंटिव होता है उसमें या तो कोई बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट होगा या मुझे कुछ मोनिटारली बहुत फ़ायदा हो रहा होगा सो तो फिर आई वुड थिंक अबाउट इट अदरवाइज अब मैं सिर्फ टी पे आने के लिए अपने आप को दिखाने के लिए मैं आई थिंक मैं उस दौर से उस फेज से गुजर चुका हूँ तो मुझे अब Uh, जब भी कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ मिलेगी तो मैं करूँगा अदरवाइज मैं कोई बेकार प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बन सकता और uh, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं घर पर जो काम कर रहा हूँ uh, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई मदर एंड आई थिंक वी शुड डिसाइड एंड अलॉट प्रायरिटीज इन इन आर लाइफ एंड हमें पता होना चाहिए कि यह चीज़ अहम है और मेरे ख्याल माँ बाप से ज्यादा दुनिया में कोई चीज़ अहम नहीं होती सो आई लेफ्ट द इंडस्ट्री एंड आई मैं क्वेश्चन आंसर सेशन दैट आई वुड टेक अ ब्रेक बिकॉज माई मदर इज नॉट वेल सो आई वुड टेक केयर ऑफ हर फर्स्ट एंड इन शाह तला गॉड विलिंग जब वो खड़ी हो जाएंगी अपी पामों पर जब वो सही हो जाएंगी तो फिर आई वुड थिंक अबाउट टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट बट फॉर नाउ आई एम आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट एंड सेकेंडली आई एम बिजी सेटिंग अप माई ओन बिजनेस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मीडिया सो इट नीड्स माई फुल अटेंशन एंड डिमांड्स माई फुल कॉन्सन्ट्रेशन सो आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन इट अट द मोमेंट सो दिस इज़ द रीज़न दै दैर आई एम नॉट कमिंग ऑन टेलीविजन एनी मोर बट जब तक आप कोई चीज़ एक्साइट ना करे या कोई चीज़ आपको दिल से आप ना चाहें करने को तो वो आपको नहीं करनी चाहिए और अभी मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं दिल से करना चाहूँ सो दिस इज़ द रीज़न वट इज माई फेवरेट अच्छा सवाल किसने किया था रहीम राहमीन से ओके मुनीब अहमद ने कहा वट इज योर फेवरेट कॉमेडी ड्रामा आमिन टेरा बयान मुनीब अहमद नहीं दूसरा सवाल भी किया है कि आपने आयशा उमर एक्टर के साथ काम किया जी बिल्कुल किया है बहुत पहले आयशा उमर के साथ मैंने एक सीरियल किया था दुबई में और हमें वो याद मुझे नाम भूल गया उसका देखें यह हाल है आयशा uh, और हम बड़ा हमने फन किया था बड़ा मज़ा आया था उस सीरियल को करने में इंडियन एक्टर्स भी हमारे साथ थे उसमें बट आई फॉट द नेम ऑफ दैट सीरियल आयशा अगर तुम्हें याद हो तो प्लीज़ बताना और आप लोगों में से किसी को याद हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा इज दिस गाये योर ब्रदर आई डोंट डॉन्टी नेम दिस पर्सन बिकॉज इज आई डोंट हैव एनी ब्रदर सिस्टर कज़न डिस्टेंट कज़न इन मीडिया इंडस्ट्री प्लीज़ तो अगर कोई मेरे नाम से कह रहा है कि मैं उसका भाई हूँ या कज़न हूँ या कुछ भी तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी मेरा कोई बहन भाई कज़न खाला चाचा मामा तायातायाजाद मामा आजादाद कोई इंडस्ट्री में नहीं है मैं ही हूँ बस इस मुझे बर्दाश्त कीजिए ये राह राय मलिक अब्रेहानसको मलिक ने मुझसे पूछा है जी आ, मुनीब अहमद ने से, टू सेवन सेवन टू जीरो जीरो फोर ने कहा आप टिकटॉक बनाता है नहीं तो प्लीज़ बनाए मैं आपको फॉलो कर लूंगा नहीं जी मैं टिकटॉक सॉरी दिस नॉट माई कप ऑफ टी जो लोग बना रहे हैं अल्लाह उनको खुश रखे बट मुझे ये टिकटॉक नहीं पसंद ए आई एन ई अंडर स्कोर इकबाल टू फोर थ्री जी एन इकबाल होगा ये योर वर्स्ट फोबिया 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 यार मुझे तक एक चीज़ का बड़ा खौफ है कि मुझे um, डिपेंडेंस से बड़ा डर लगता है कि किसी पे आप ज़िंदगी में डिपेंड हो जाएं चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो या या वो इमोशनल डिपेंडेंस हो या वो फिज़िकल डिपेंडेंस हो और मुझे ऊपर खड़े हो के बिल्डिंग से नीचे देखने में हाई राइज से नीचे देखने में बहुत खौफ आता है फ्लाइंग करी फ्लाइंग की ऊँचाई और होती है बट ऊपर से किसी बिल्डिंग या किसी हाई राइज या स्काई स्क्रैपर के नीचे ऊपर खड़े होकर आप नीचे देखते हैं ना दैट इज़ माई फोबिया आई डोंट मैं ख्वाब में भी देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ हैदर मौला नाइन कहा कि हाउ डू यू फील एज टॉप हैंडस मैन इन पाकिस्तान एशिया यार डू थिंक थिंक सो सो आई आई डोंट हैव सीन सो मेनी गुड लुकिंग बेटर लुकिंग वेरी गुड लुकिंग पीपल वो फार बेटर लुकिंग दैन इमरान अब्बास सो आई डोंट थिंक दैट आई एम द बेस्ट लुकिंग मैन इन एशिया देर आर सो मैनी अदर्स बेटर बेटर लुकिंग लेकिन वो होता ये कि वो आ, स्क्रीन पर नज़र नहीं आते आ, आ वो उनको मीडिया वो, शायद उनको वो उस तरह हम लोग नज़र आ जाते हैं और हम लोग शायद ज़्यादा नॉन हो जाते हैं इसलिए लोग हमें सम कहते हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम अपने अतराफ़ में देखें हम अपने फ्रंटियर में देखें तो इतने गुड लुकिंग लोग हैं हमारे पंजाब में बड़ा प्यारा हमारा पाकिस्तान का हर मुझे तो लगता है हर चेहरे के अंदर एक कोई खास बात होती है वो शेयर है ना कि हर किसी के चेहरे पर एक जयासी होती है हुसन के इलाक़े की एक अदासी होती है तो हर किसी के चेहरे पर कोई ना कोई खास बात होती है आई थिंक यू आर प्राउड ऑफ आई सॉरी वन थिंग यू आर प्राउड ऑफ अबाउट अबाउट ओन सेल्फ अच्छा मैं सवाल समझ गया हूँ क्या कह रही डीप सी फोर्टीन ने कहा वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आई एम नॉट एक्चुअली प्राउड बट येस आई फील ग्रेट टू बी वेरी प्योर हार्टेड पर्सन विद नो परसोना और फेकनेस जो मैं जो हूँ वही हूँ और uh, मैं प्रटेंड नहीं करता कि मैं कुछ और हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे प्रोटेंशस हु, नहीं हूँ मैं मैं आ, बस ऐसे ही हूँ जो आपको नज़र आ रहा हूँ और मैंने अपने आप को बहुत कनेक्टेड रखा है अपनी अपनी रूट से और अपनी पुरानी चीज़ों से जो मैं मीडिया आने से पहले जिसको प्रैक्टिस करता था जो मेरी चीज़ें थीं तो उससे ये हुआ कि मुझे मीडिया की लाइफ ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया तो दिस इज़ वॉट आई लव अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम अ वेरी ऑर्डनरी वेरी रेगुलर गाय एंड आई एम वट एवर आई एम इज़ यू नो यूर वॉचिंग मी एज इट इज़ लाइक मुझे कोई ये नहीं होता कि मैं स्क्रीन पर आके या बना के बोल रहा हूँ अपनी आवाज़ को या मैं प्रटेंट कर रहा हूँ मैं कुछ मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ और मुझ में मुझ में कोई दो नंबरी नहीं है या कोई फेकनेस नहीं है सो दिस इज़ वट आई लव अबाउट माई सेल्फ आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग प्राउड तो बड़ी बात वट डू यू लर्न अबाउट दिस फ्राम दिस ग्लोबल पेंडामिक अंडर स्कोर मायदा ने मुझसे पूछा अंडर स्कोर मायदा अंडर स्कोर ने पूछा डबल अंडर स्कोर है शायद आगे या पीछे uh, यार मुझे ये अंदाज़ा हुआ मायदा के ज़िंदगी में आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है हम बहुत आगे भी निकल जाए ना तो अल्लाह की सिर्फ एक uh, उस, वो जब डोर खींचता है ना तो आप वापस अपनी अवात पर आ जाते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इंसान

वायरस ने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को यार मतलब क्या आप सोच सकते हैं